आज हम मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे फ्रंट एंड रियर एक्सल क्या होता है। फ्रंट एक्सल क्या है? इट इज यूजुअली ए ड्रॉप फोर्जिंग ऑफ स्टील। द एक्सल हैज टू टेक बेंडिंग लोड्स ड्यू टू लोड ऑफ द व्हीकल एंड ऑल्सो टॉर्क्स लोड्स ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ द व्हील। फॉर दिस रीजन फ्रंट एक्सल इज मेड ऑफ आई सेक्शन इन द सेंट्रल पोर्शन व्हाइल द एंड्स आर मेड आइदर सर्कुलर और इलिप्टिकल। फ्रंट एक्सल क्या है? आमतौर पर स्टील का ड्रॉप फोर्जिंग है। एक्सल को वाहन के लोड के कारण बेंडिंग लोड और साथ ही पहियों की ब्रेकिंग के कारण टॉर्क का लोड लेना होता है। इस कारण फ्रंट एक्सल को बीच वाले हिस्से में आई सेक्शन मतलब अंग्रेजी के आई सेक्शन से बनाया जाता है, जबकि इसके सिरे गोलाकार या अंडाकार होते हैं। अब ये फ्रंट एक्सल दिखता कैसा है वो देखते हैं। ये होता है हमारा फ्रंट एक्सल, इस तरह का दिखता है, जिस पर सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाता है, भी लगाया जाता है। फिर आता है डाउनवर्ड स्वीप इज गिवन टू द सेंटर पोर्शन टू कीप ए लो चेसी हाइट। बोथ द एंड ऑफ फ्रंट एक्सल आर माउंटेड विद स्टब एक्सल विद द हेल्प ऑफ किंग पिन। द फ्रंट रोड व्हील्स आर माउंटेड ऑन द स्टब एक्सल। क्या किया जाता है, बीच वाले हिस्से में नीचे की ओर स्वीप देकर चेसी की ऊंचाई कम रखी जाती है। फ्रंट एक्सल के दोनों सिरों पर किंग पिन की सहायता से स्टब एक्सल लगाए जाते हैं। सड़क पर चलने वाले अगले पहिए स्टब एक्सल पर लगाए जाते हैं। ये हमारा फ्रंट एक्सल है, देखो इस तरह का हमारा फ्रंट एक्सल दिखता है। ये हमारे पहिए लगे हैं, इसके साथ इधर स्टब एक्सल लगा है। फिर आता है रियर व्हील मतलब पीछे वाले पहिए, सॉरी रियर एक्सल। इट बियर्स द वेट ऑफ व्हीकल बॉडी एंड लोड ड्यू टू ऑक्यूपेंट्स थ्रू स्प्रिंग्स एंड इनेबल्स टू ट्रांसमिट ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग टॉर्क ड्यू टू द चेसी फ्रेम एंड बॉडी ऑफ द व्हीकल। देखो इस पर वाहन की बॉडी का भार और इसमें बैठने वालों का वजन स्प्रिंग के जरिए उठाया जाता है। ये वाहन के चेसिस में और बॉडी तक ड्राइविंग तथा ब्रेकिंग टॉर्क को भेजती है। अब जो हमारा रियर एक्सल है वो कैसा दिखता है? ये हमारा रियर एक्सल है। रियर एक्सल मतलब पीछे वाला एक्सल। यहां पर ये हमारा डिफरेंशियल लगी है, डिफरेंशियल के बाद ये दोनों एक्सल लगे हैं जो 90 डिग्री पे दोनों तरफ व्हील्स में पावर को भेजता है। यहां से हमारी प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है, ठीक है, यूनिवर्सल ज्वाइंट के साथ जोड़ के। वो यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या है वो अभी आगे आएगा तुम्हें अभी। फिर आता है द फंक्शन ऑफ रियर एक्सल आर एज फॉलोज। इसके रियर एक्सल के फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या कार्य है? इट बियर्स द वेट ऑफ द व्हीकल बॉडी एंड लोड ड्यू टू ऑक्यूपेंट्स थ्रू स्प्रिंग्स। अभी मैंने बताया इस पर वाहन की बॉडी का भार और इसमें बैठने वालों का वजन स्प्रिंग के जरिए उठाया जाता है। फिर ये वाहन के चेसिस में और बॉडी तक ड्राइविंग तथा ब्रेकिंग टॉर्क को भेजता है। फिर इट ऑल्सो एक्सपीरियंस द साइड थ्रस्ट और पुल ड्यू टू एनी साइड लोड ऑन द व्हील। इस पर बगल के थ्रस्ट या पुल का असर भी होता है जो पहिए पर किसी साइड लोड के कारण आता है। फिर इट सपोर्ट द बेवल पिनियन बेवल गियर केज ऑफ सन गियर एंड स्टार पिनियन एक्सल शाफ्ट एंड डिफरेंट सपोर्ट बेयरिंग। ये बेवल पिनियन बेवल गियर सन गियर का केज और स्टार पिनियन एक्सल शाफ्ट और अलग अलग सपोर्ट बेयरिंग को सहारा देता है, जिसको जो सब कुछ हमारा डिफरेंशियल के अंदर लगा होता है। रियर रोड व्हील्स आर माउंटेड ऑन द एक्सल शाफ्ट। जो सड़क पर चलने वाले पिछले पहिए एक्सल शाफ्ट पर लगे होते हैं। द डिफरेंशियल मैकेनिज्म इनेबल्स टू मूव आउटर व्हील फास्टर देन द इनर व्हील व्हाइल टेकिंग ए टर्न। जब गाड़ी किसी मोड़ पे मुड़ रही है तब वो डिफरेंशियल का काम है बाहर वाले पहिए को तेज घुमाना और इन अंदर वाले पहिए को कम घुमाना, वो सारा काम हमारा डिफरेंशियल करता है। अब ये डिफरेंशियल दिखता कैसा है? एक तो हो गया कि ये जो बीच वाला है ये डिफरेंशियल है, इस चीज को हम कहते हैं डिफरेंशियल, जहां से पावर हमारी प्रोपेलर शाफ्ट के जरिए आ रही है। अब ये अंदर से कैसा दिखता है? ये हमारा डिफरेंशियल अंदर से इस तरह का दिखता है, देखो, ठीक है। ये इसमें गियर्स लगे हुए हैं, इनको गियर कहते हैं, जो ये मेन रिंग गियर लगा होता है, यहां से हमारी पावर सन गियर और प्लेनेट गियर में ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसके साथ हमारा प्रोपेलर शाफ्ट लगा होता है, वो इसके आगे लगा होता है यहां पर। ये हमारी प्रोपेलर शाफ्ट है, ठीक है। ये सारे जो ये ज्वाइंट लगा है इसको कहते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट। ये यूनिवर्सल ज्वाइंट से हमारा प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल जुड़ता है। तो ये तो सब रियर एक्सल कैसा होता है। अब हम देखते हैं प्रोपेलर शाफ्ट क्या है। दिस इज द हॉलो ट्यूबुलर शाफ्ट विच ट्रांसमिट्स द
ड्राइव फ्रॉम द गियर बॉक्स टू द बेवल पिनियन ऑफ फाइनल ड्राइव। ये क्या है, ये ट्यूबुलर शाफ्ट है जो अंदर से खाली होती है, ये मतलब ये खोखला ट्यूब के समान शाफ्ट है जो गियर बॉक्स से ड्राइव को फाइनल ड्राइव तक पहुंचाता है। और ये लगा कहां लगा होता है, रियर। और अभी हमने देखा कि प्रोपेलर शाफ्ट कैसी दिखती है, ठीक है, उसमें यूनिवर्सल ज्वाइंट भी लगे होते हैं। फिर आता है प्रोपेलर शाफ्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ थ्री पार्ट्स, पहला फिर शाफ्ट, फिर यूनिवर्सल ज्वाइंट और तीसरा स्लिप ज्वाइंट। ये तीन तरह के उसमें पार्ट्स लगे होते हैं। एज दिस हैज टू विदस्टैंड मेनली टॉर्शनल लोड, इट इज यूजुअली मेड ऑफ ट्यूबुलर क्रॉस सेक्शन। क्या है, इस पर मुख्य रूप से टॉर्शन का लोड सहन किया जाता है, अतः यह ट्यूब के जाल से बनाया जाता है, इसे डायनेमिक रूप से संतुलित भी होना चाहिए। फिर आता है वन और टू यूनिवर्सल ज्वाइंट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रियर एक्सल ड्राइव यूज्ड, द यूनिवर्सल ज्वाइंट्स अकाउंट फॉर द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द रियर एक्सल व्हेन द व्हीकल इज रनिंग। एक या दो यूनिवर्सल ज्वाइंट उपयोग किए गए रियर एक्सल ड्राइव के प्रकार पर निर्भर करते हैं। यूनिवर्सल ज्वाइंट से रियर एक्सल में वाहन के चलने के दौरान ऊपर और नीचे की गतियां होती हैं। फिर तीसरा आता है स्लिप ज्वाइंट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ड्राइव वन स्लिप ज्वाइंट में बी देयर इन शाफ्ट, ड्राइव के प्रकार पर निर्भर करते हुए एक स्लिप ज्वाइंट शाफ्ट में हो सकता है। इससे रियर एक्सल के गतिशील होने पर आवश्यकता अनुसार प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई एडजस्ट करने में सहायता मिलती है। देखो ये हमने पहले देखा था कि यूनिवर्सल ज्वाइंट, और ये हमारा यूनिवर्सल ज्वाइंट है, ये हमारा स्लिप ज्वाइंट है। स्लिप ज्वाइंट मतलब इससे थोड़ा बहुत प्रोपेलर शाफ्ट को लंबाई एडजस्ट करने में मदद मिलती है। ये ज्वाइंट है जो, इसको कहते हैं हम स्लिप ज्वाइंट, और ये है यूनिवर्सल ज्वाइंट। ये देखो ये इस तरह का यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है, यहां से हमारी एक तरफ से प्रोपेलर शाफ्ट फिक्स होगी, दूसरी तरफ से दूसरी डिफरेंशियल हमारा फिक्स किया जाएगा। दो उस तरफ यूनिवर्सल ज्वाइंट इस तरह का होगा और ये भी एक इस तरफ से होगा, दोनों को जोड़ के हमारा ज्वाइंट कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स से डिफरेंशियल के साथ जुड़ी होती है वो एकदम सीधी नहीं होती, मतलब स्ट्रेट होगी, बट ऊपर एक साइड से अप होती है, एक साइड से थोड़ी डाउन होती है, क्योंकि हमारा जो रेयर एक्सल है वो थोड़ा पीछे से डाउन होता है, और जहां पे गियर बॉक्स लगा उसकी हाइट थोड़ी ऊपर होगी, इसलिए ये इस तरह से लगी होती है, मतलब इसका एक साइड अप है ऊपर गियर बॉक्स की तरफ और एक साइड डाउन है नीचे। ये इसमें हमें कौन मदद करता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट की मदद से ये फिक्स की गई होती है इस तरह। तो ये तो था हमारा प्रोपेलर शाफ्ट, और जो हमने पढ़ा फ्रंट और रियर एक्सल क्या क्या होता है।